आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी की इस मेंस कॉन्सेप्ट सीरीज में। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के एक टॉपिक को मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इजारेदारी प्रथा। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधे हम लोग भू राजस्व नीतियां, जो आधुनिक भारत के इतिहास में टॉपिक है, उसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिशों के दौरान जब ब्रिटिश शासन काल चल रहा है तो मुख्य रूप से वो भारत के किसानों से लेते हैं भू राजस्व और यही उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, यानी मुख्य जो स्रोत है आय का वो वही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उद्योग हो जहां से कोई जीएसटी या टैक्स आ रहा हो, या सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो उस टाइम पर जो प्राइमरी सेक्टर है, जो कृषि है, वहीं पर, क्योंकि अधिकतर देश की आबादी कृषि में आज भी लिप्त है और उस समय तो बहुत बड़े स्तर पर और ज्यादा लिप्त थी। ये एक आकलन है कि 90% या उससे ज्यादा की आबादी उस टाइम पर कृषि में थी, और इसलिए जो ये भू राजस्व है ये बहुत बड़ा स्रोत था ब्रिटिशों की आय के लिए। और इसलिए भू राजस्व व्यवस्थाओं में हम देखते हैं कि ब्रिटिशों की चार भू राजस्व व्यवस्था थी। सबसे पहले बात करते हैं, वो लेते थे, उदाहरण के रूप में हम बात करें टैक्स, तो जो टैक्स है वो किस प्रकार लेते थे वो समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई किसान है जिसने 100 किलो गेहूं उगाया, अब वो 100 किलो गेहूं उगाया अगर उसने, तो सरकार बोलेगी भाई 50% टैक्स आप हमको दे दो। अगर उसको 50% टैक्स लगाया गया है तो यानी 100 किलो में से 50 किलो गेहूं का जो टैक्स है वो उसको देना पड़ेगा। लेकिन आप खुद सोचो, 50 किलो गेहूं ब्रिटिश अपने पास रख के तो उनको कुछ मिलना नहीं है, तो 50 किलो गेहूं का जो बाजार मूल्य होगा वो उस किसान को चुकाना पड़ेगा ब्रिटिशों को। यानी मान लो उस समय जो गेहूं का रेट चल रहा है, मान लो 1 किलो गेहूं का मार्केट रेट है 2 रुपए, तो 50 किलो इसका टैक्स आया है, तो किसान 50 किलो का जो मार्केट वैल्यू है, यानी 1 किलो 2 रुपए, तो 50 किलो 100 रुपए, 100 रुपए उसको ब्रिटिशों को देना है। यह है सिंपल प्लेन भाषा में टैक्स। अब आ जाओ चार प्रकार की उन व्यवस्थाओं में जो ब्रिटिशों ने लगाई थी और जिसमें से आज हम लोग इस मेंस कॉन्सेप्ट सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं, इजारेदारी प्रथा। तो सुनिएगा, बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा। इजारेदारी प्रथा में क्या होता था, ब्रिटिशर गांव का ऑक्शन यानी नीलामी रखते थे, और ये जो गांव में ऑक्शन किया जाता था उस ऑक्शन में अलग अलग लोगों को आमंत्रित किया जाता था जो अपने आप को योग्य मानते हैं कि वो पूरे गांव से कर इकट्ठा कर सकते हैं। उदाहरण, हम लोग एक हाइपोथेटिकल गांव ले लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि भाई कोई गांव है, हम लोग उसका एक नाम रख देते हैं, हमने गांव का नाम रखा चिरकुंडा। तो चिरकुंडा गांव एक गांव है और जिसमें से लोगों को आमंत्रित किया जाएगा कि भाई जो भी अपने आप को योग्य फील करता है कि वो बाकी गांव से कर इकट्ठा करता है या कर सकता है वो आ जाए ऑक्शन में। और फिर इस ऑक्शन या नीलामी में होता यह था कि जो सर्वाधिक ऊंची बोली लगाने वाला व्यक्ति था उसको उस गांव का इजारेदार यानी कर इकट्ठा करने का जो अधिकार दे दिया जाता था। हम लोग मान लेते हैं हमारा गांव है चिरकुंडा और उस चिरकुंडा गांव के ही बहुत सारे लोग हैं। अब मान लेते हैं कि 3 लोग इस नीलामी में आए हैं जो अपने आप को योग्य मानते हैं। मान लो पूरे गांव में कितने लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं पूरे गांव में, और 3 लोग अपने आप को योग्य मानते हैं, बाहुबली टाइप वाले लोग हैं ये, जिनके पास लठैत वठैत भी है क्योंकि तो वसूली का काम है, तो ये 3 लोग अपने आप को योग्य मानते हैं कि ये बाकी गांव से इकट्ठा कर सकते हैं, 1000 लोगों से इकट्ठा कर सकते हैं टैक्स कर सकते हैं, ऐसा इनको लगता है। अब नीलामी में जो सर्वाधिक ऊंची बोली बोले यानी हाईएस्ट बिडर होगा उसको 1 वर्ष के लिए ये अधिकार कर इकट्ठा करने का मिल जाएगा। जैसे मान लो ब्रिटिशों ने बोला हाँ भाई कौन कितना इकट्ठा करके देगा, तो पर्सन नंबर 1 खड़ा हुआ, पर्सन नंबर 1 बोलता है सुनो ब्रिटिश मैं चिरकुंडा गांव से आपको 90 रुपए इकट्ठा करके दूंगा। तो गांव वालों, 1000 जो गांव वाले हैं इनसे पर्सन नंबर 1, हमने ए बोल दिया चलो इसको, तो पर्सन नंबर 1 90 रुपए बोल रहा है कि वो 1000 लोगों से इकट्ठा करके लाके देगा। अब ब्रिटिश बोलेंगे हाँ भाई कोई और है क्या, ऑक्शन हो रहा है, तो ब्रिटिश क्या बोलेंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति है जो इससे ज्यादा इकट्ठा करके देगा, तो बोलेंगे 90 1 90 2, इतने में ही जो पर्सन नंबर 2 है, 3 आए थे, पर्सन नंबर 2 बोलेगा सुनो ब्रिटिश मैं आपको 100 रुपए इकट्ठा करके दूंगा। ब्रिटिश खुश हो जाएंगे क्योंकि अब उनको जो दूसरा व्यक्ति है पर्सन 2 है ये 100 रुपए यानी 10 रुपए एडिशनल ला के दे रहा है, यानी निश्चित रूप से अब उनको पर्सन 1 से कोई मतलब नहीं है। मतलब पर्सन 1 अगर मान लो 100 के ऊपर बोली बोलता है तो वो बोल सकता है ना, लेकिन पर्सन नंबर 1 की जो उसने 90 की वैल्यू बोली है अब वो तो खत्म हो गई क्योंकि उससे ज्यादा कोई इकट्ठा करके दे रहा है ब्रिटिश को। फिर ब्रिटिश बोलेंगे कि हाँ भाई कोई ऐसा है जो 100 से भी ज्यादा इकट्ठा करके देगा, तो 100 1 100 2, और इतने में मान लो एक व्यक्ति आया जो पर्सन 3 था, वो कहता है सुनो ब्रिटिश
मैं आपको चिरकुंडा गांव से 110 रुपए इकट्ठा करके दूंगा। ब्रिटिश बहुत खुश, ब्रिटिश बोले वाह क्या बात है, और फिर ब्रिटिश बोलेंगे हाँ भाई 110 एक, 110 दो, 110 तीन। मान लो कि 110 तीन हो गया, यानी कि 110 से ज्यादा कोई बोली नहीं लगा रहा है ऊंची, यानी कि 110 रुपए चिरकुंडा गांव से इकट्ठा करके देगा। पर्सन का नाम है सी, पर्सन का नाम क्या है सी, हमें सी को भी एक नाम देते पांडू, तो सी को हमने एक ऑफिशियल नाम दे दिया पांडू। तो पांडू चिरकुंडा गांव, 1000 जो लोग हैं चिरकुंडा गांव के, पांडू उनसे कलेक्ट करेगा कितना रुपए, 110 रुपए, और किसको देगा, ब्रिटिशों को देगा। सिंपल, यही है इजारेदारी व्यवस्था। और जो व्यक्ति जिसने हाईएस्ट बोली लगाई, सबसे ऊंची लगा, इसको कहते हैं इजारेदार। अब आप बोलोगे चलो सर हमको ये बात तो निश्चित रूप से समझ में आ गई कि इजारेदार कौन है, लेकिन ये इजारेदारी प्रथा के बारे में कुछ और अगर हमको बताओ तो और अच्छी बात, तो और अच्छी बात अच्छे से सुन लो। देखो ये जो इजारेदार होता था ये हर वर्ष बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा, क्योंकि हर वर्ष नीलामी होगी, हर वर्ष ऑक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है सबसे ऊंची बोली हर वर्ष कौन लगाए, ये तो किसी के हाथ में है नहीं। हाँ अगर पांडू अगले वर्ष भी हाईएस्ट बोली लगाता है तो अगले वर्ष भी कर इकट्ठा करने का अधिकार उसको मिल जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगले वर्ष वही सबसे ऊंची बोली लगाए। हो सकता है अगले वर्ष कोई नया व्यक्ति आके उससे ज्यादा बोली लगा दे, तो ब्रिटिश उसको उस वर्ष का कर इकट्ठा करने का अधिकार दे देंगे। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर जो इजारेदार व्यक्ति है ये, इसको क्या फायदा है, 110 गांव वालों से इकट्ठा करेगा, इसका क्या फायदा है, ये क्यों इकट्ठा कर रहा है। तो सुनना, ये जो 110 रुपए इकट्ठा कर रहा है ये तो ब्रिटिशों के लिए इकट्ठा कर रहा है, लेकिन इसको क्या फायदा है। इसको असल में ये उम्मीद है कि चिरकुंडा गांव के 1000 लोगों से ये इकट्ठा कर लेगा 130 रुपए या 150 रुपए, ये इसको उम्मीद है, किसको, पांडू को। तो पांडू 110 इसलिए बोला ब्रिटिशों के सामने क्योंकि इसको लगता है कि जब ये इकट्ठा करने पे आएगा गांव वालों से तो 130 रुपए मान लो इकट्ठा कर लेगा, ब्रिटिशों को कितना देगा 130 में से, 110 रुपए देगा, और अपनी जेब में कितना रखेगा, 20 रुपए रखेगा। ये जो 20 रुपए यही इसका प्रॉफिट है, और इसलिए लोग नीलामी में आएंगे क्योंकि भाई उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए, वरना लोगों के पास तब फालतू टाइम थोड़ी ना है कि वसूली का सिर दर्द लें। वसूली तो तुम लोग समझते हो कितना टफ काम है, तो गोलमाल पिक्चर देखी होगी तुमने, गोलमाल पिक्चर में जो वसूली भाई होते कितना उसको बेचारे को टरकाया जाता है, आज नहीं कल आना, फोन काट देते हैं, भाई तुम तो संजय दत्त, उसको इतना बेचारे को उल्लू बनाते हैं, उसका पैसा नहीं देते, तो वसूली करना बहुत टफ काम है। तो पांडू पगला थोड़ी ना है जो इतने सारे 1000 लोगों से वो एक एक के पास लटैत ले जाए, उसका भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, तो उसका प्रॉफिट है इस काम में, इस काम में यानी कि उसको एडिशनल जो 20 रुपए उसको लग रहा है मिलेंगे, ये उसका प्रॉफिट है। लेकिन पता है हुआ क्या, समय के साथ जब जो लोग इकट्ठा करने जाते थे, ये पांडू टाइप के लोग जब इकट्ठा कर रहे हैं, तो पता चला कि भाई कलेक्शन हो रहा है मात्र 112 रुपए, 113 रुपए। उम्मीद कितने की थी, उम्मीद की थी 130 की, और प्रॉफिट की उम्मीद थी 20 की। लेकिन पता चला जब इकट्ठा कर रहे हैं तो गांव वाले रो रहे हैं, नहीं इस बार तो अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है, है नहीं, कहां से लाएंगे, और प्रॉफिट बहुत कम हो रहा था क्योंकि इस 113 में से 110 तो ब्रिटिशों को दे देंगे और बचा हुआ जेब में कितना जाएगा, 3 रुपए, जबकि उम्मीद की थी कि प्रॉफिट होगा 20 का। लेकिन जब कलेक्ट करने उतरे तो पता चला 113 ही कलेक्ट हुआ, जिसमें से 110 ब्रिटिश को दिया और खुद की जेब में गया 3। यानी कि इजारेदारी प्रथा की कमी एक बहुत बड़ी यह है कि जितना रिकवरी उम्मीद होता था इजारेदार को, उतना वो रिकवर कर पाते नहीं थे, जिसकी वजह से उनमें आती थी असंतुष्टि। और ये इजारेदारी प्रथा को रिप्लेस करने का बहुत बड़ा कारण है, और एक नई व्यवस्था आगे चल के इसलिए ब्रिटिश लाएंगे जिसका नाम होता है स्थाई बंदोबस्त, यानी परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन फिलहाल इजारेदारी प्रथा के बारे में कुछ और बातें हम लोग समझते हैं। तो हमने क्या बोला, इजारेदार, अच्छा ये व्यवस्था कौन शुरू किया, ये व्यवस्था शुरू किया वॉरन हेस्टिंग्स। तो वॉरन हेस्टिंग्स का जो इंडिया में कार्यकाल रहता है 1773 से 85 ये इंडिया में मौजूद होता है, और 1773 में इसने शुरू कर दी थी इजारेदारी व्यवस्था। तो 1772 में वॉरन हेस्टिंग्स ने इसे बंगाल में लागू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भू राजस्व वसूल करना था। तो हमने क्या बात देखी कि ये जब इंडिया में आया 1772-1773 के टाइम में, यही वो समय है जब इसने आते से, जिस वर्ष इसकी भारत में एंट्री होती है 1772 का खत्म होने का टाइम होता है 73 शुरू, तो ऐसे टाइम पे ये शुरू करता है इंडिया में इजारेदारी व्यवस्था, वॉरन हेस्टिंग्स। बिल्कुल होश में रहना है, ठीक है। तो इंडिया में वॉरन हेस्टिंग्स शुरू करता है बंगाल वाले क्षेत्र में इजारेदारी प्रथा। आओ इस इजारेदारी प्रथा को हम लोग कुछ और आराम से एक डिस्क्रिप्शन के थ्रू, जो पिक्चर वाला डिस्क्रिप्शन है उससे समझते हैं। तो ये है आपका इजारेदार, तो ये है आपका क्या, इजारेदार।
इजारेदार ने ऑक्शन में सबसे ऊंची बोली लगाई है ब्रिटिशों के सामने, तो इसको कितना देना है, 110 देना है। और ये इनसे यानी किसानों से कितना ले सकता है, ये इसकी मर्जी है। सुनना, ये लोग बिल्कुल भी इसको टोकेंगे नहीं कि तुम कितना इनसे ले सकते हो, वो ब्रिटिश निर्धारित नहीं करें। ब्रिटिशों ने इनको खुली छूट दे दी कि तुमको इजारेदार, तुमको इनसे जितना लेना है वो तुम्हारा टैलेंट, तुम इनसे 130 लो, 150 लो, 200 लो, वो तुम्हारा टैलेंट, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको किससे मतलब है, हमारे 110 से, तो ये हमको मिल जाना चाहिए 110। अब तुम इससे कितना लेते हो, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा टैलेंट, वो तुम जानो। लेकिन सही मायनों में ये ज्यादा इकट्ठा कर पा नहीं रहे थे, ये खुद फ्रस्ट्रेटेड थे। दूसरा फ्रस्ट्रेशन का कारण ये था कि क्योंकि हर वर्ष इजारेदार बदल सकता है, क्योंकि ऊंची बोली अगले साल कौन लगाएगा ये इसको तो नहीं मालूम, दुर्जन सिंह को, ये वही है, छत पे सोया था बहनोई, तो ये वो बहनोई है, है ना राणा जी, यही है वो, यही है इजारेदार। अब अगले वर्ष मान लो कि दूसरा ऊंची बोली लगा दे तो इजारेदार बदल जाएगा। यानी इजारेदारों को दो समस्या आ रही थी इस प्रथा के अंतर्गत, जिसकी वजह से इस प्रथा को चेंज किया जाएगा। सबसे पहली बात, जो रिकवरी अमाउंट है, जो रिकवरी अमाउंट है वो बहुत कम है, इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना इनको उम्मीद थी। और दूसरा, ये जो व्यवस्था है वो अस्थायी है। क्या है अस्थायी भाई, अगले साल मान लो बदल गया जमींदार, इजारेदार बदल गया, तो इनको ये भी बुरा लगता था कि ये परमानेंट काम नहीं है, ये टेम्पररी रोजगार है। परमानेंट काम हर सबको अच्छा लगता है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई तुम लोग डिप्टी कलेक्टर की तैयारी क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुमको उसमें स्टेबिलिटी दिखती है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम इतना टफ पेपर निकाल के डिप्टी कलेक्टर बन के तुम्हें जो नौकरी मिलेगी मात्र एक वर्ष के लिए मिलेगी, तो कई बच्चे तैयारी छोड़ देंगे कि भैया एक वर्ष में क्या होगा, हमें तो जीवन भर चाहिए। तो बस वही बात है, इनको लग रहा है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं एक वर्ष के लिए, अगले वर्ष कोई दूसरा ऊंची बोली लगा रहे, तो लोगों को स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी। तो होने ये लगा कि बहुत कम लोग फिर नीलामी में शामिल होने लगे, क्योंकि रिकवरी का अमाउंट नहीं ज्यादा, यानी प्रॉफिट ज्यादा हो नहीं रहा है, प्लस अगले साल कोई दूसरा आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में इजारेदार जो है वो छोड़ने लगे, बोले कोई इंटरेस्ट ही नहीं इस काम में, कुछ दूसरा काम कर लेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। इसलिए इजारेदारी प्रथा को खत्म करके ब्रिटिश लाए स्थाई बंदोबस्त। खैर, अब क्योंकि ये स्लाइड भी आ गई, इसके बारे में भी डिस्कशन कर ले, तो एक सीजीपीएससी मेंस कोर्स कंपटीशन कम्युनिटी शुरू कर रहा है 6 जून 2023, यानी आगामी 6 जून को बिलासपुर ब्रांच में। आप देखेंगे शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच शाम को शुरू होने वाला है एक मेंस का बैच, और जिसका ड्यूरेशन रहेगा 10 मंथ का। तो इस 10 मंथ में आपको मेंस के 7 पेपर करवाए जाएंगे, और ये 7 पेपर फुल डेप्थ में होंगे। इसमें आपको लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, आपको कंप्लीटली अपडेटेड मटेरियल दिया जाएगा, आपको पूरे नोट्स दिए जाएंगे, पूरा पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दी जाएंगी, आपको पीडीएफ दिया जाएगा, आपको लाइब्रेरी दी जाएगी, और डिजिटल क्लासरूम दिया जाएगा। और वो सारी चीजें जो आपको एक अच्छी और आराम से सुखद तैयारी करने को चाहिए, वो सारी चीजें दी जाएंगी, प्लस गाइडेंस तो हमेशा हम लोग हैं ही। तो अगर आप लोग मेंस का कोर्स डिटेल में पूरा का पूरा संपूर्ण पढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप बिलासपुर ब्रांच आ सकते हैं। और यहां पर 5th फ्लोर रियल हेवन बिल्डिंग मंगला चौक बिलासपुर में हमारी ब्रांच है, बिलासपुर सेंटर मौजूद है, यहां पर आप आ सकते हैं। कोई समस्या आने पर आप इस नंबर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, 9171504000 या 7747901111। तो ये आपका मेंस कॉन्सेप्ट सीरीज में था इजारेदारी प्रथा। मुझे आशा है कि आपको ये मेंस कॉन्सेप्ट सीरीज और इजारेदारी प्रथा समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, और उन सभी लोगों तक पहुंचाइएगा जहां पे आपको लगता है कि उन तक भी इसे पहुंचने से मदद मिलेगी। ओके, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें, अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।